हरियाणा की तरक्की का विकास के जो इरादे हैं वो संजोए 3 साल पहले युवा शक्ति के बल पर खड़ी हुई जनसेवा क्रांति पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सुदर्शन मंदिर में हवन यज्ञ के साथ पार्टी कमर कस करके हरियाणा के चुनावी दंगल में उतर गई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। जनसेवा क्रांति पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अल्ग ने गुरुग्राम के सुदर्शन मंदिर में हवन यज्ञ कर पार्टी की तीसरी वर्षगांठ मनाई और 108 ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ ही विधानसभा चुनाव के दंगल में उतरने का ऐलान कर दिया। इस दौरान जनसेवा क्रांति पार्टी के समर्थन में जनसैलाब उमड़ पड़ा। चुनावी शंखनाद के साथ जेएसकेपी सुप्रीमो अंकित अल्ग ने भी प्रदेश की जनता को भरोसा दिलवाया कि बीजेपी और कांग्रेस ने गुरुग्राम की दुर्दशा कर रखी है, अगर जनता मौका देगी तो गुरुग्राम को आदर्श बनाएंगे और हरियाणा में विकास की बयार लाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाएंगे। और जैसे हिंदू संस्कृति में सिखाया गया है कि जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का और देव तुल्य जो इस धरती पे ब्राह्मण होते हैं उनको हमने निमंत्रण दिया। उन देवताओं ने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आज हमें सौभाग्य दिया है। आज 108 कहते हैं 108 की माला होती है, 108 में सारे देवता होते हैं, उस सारे देवता आज यहाँ पे मौजूद हैं। आज उन्होंने आशीर्वाद दिया, सुबह हवन हुआ, वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ गुरुग्राम की तरक्की को लेकर के मंगल कामनाएं की गई, गुरुग्राम समस्याओं से मुक्त हो सके ऐसी प्रार्थनाएं की गई। तो मैं समझता हूँ कि आज तो हमारे लिए हम आज ही जीत चुके हैं कि हम 108 देवताओं को अपने हाथों से पूज करके भोज करा रहे हैं। वहीं पार्टी सदस्य योगेश कटारिया ने गुरुग्राम में समस्याओं के अंबार को लेकर सरकार का घेराव किया। योगेश कटारिया ने कहा कि आज गुरुग्राम की पहचान समस्याओं से है। आम आदमी पार्टी को छोड़कर जेएसकेपी का दामन थामने वाले पारस जुनेजा ने कहा कि सनातन धर्म में किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत देवताओं के आह्वान से होती है। जेएसकेपी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम करेगी। गुरुग्राम में बहुत समस्याएं हैं, दिन पर दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो कूड़ा को लेकर हो, गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बोलने लगे हैं, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, चाहे वो सीवर के ओवरफ्लो की समस्या हो, चाहे वो दूषित पीने के पानी की समस्या हो, दिन पर दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जितना गुरुग्राम पे एक तरह से लोड आ गया है, जनसेवा क्रांति पार्टी आप देख रहे हैं पिछले 3 सालों से जमीनी स्तर पर लगातार लोगों के बीच में जा रही है, लगातार लोगों के लिए काम करवा रही है। लोगों की उम्मीदें बड़े बड़े नेताओं से हटकर, अगर हम राजनीतिक गलियारे से बाहर आए एक बार, तो बड़े बड़े नेताओं से हटकर किसी की तरफ है तो जनसेवक की तरफ है। हरियाणा में विकास की बयार लाने का सपना संजोए जनसेवा क्रांति पार्टी के शंखनाद में उमड़ा जनसैलाब ये संकेत दे रहा है कि जनसेवा क्रांति पार्टी क्षेत्र और प्रदेश की जनता के दिलों में जगह बना रही है।